जी देखिए अंजना, ये लग रहा है सतीश मान सिंधे समझ नहीं पा रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि इसमें तीन एजेंसी हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीबीआई और ईडी। और सीबीआई जांच कर रही है कि आखिर सुशांत की मौत कैसे हुई। तो अगर रिया चक्रवर्ती, उनके वकील हर प्लेटफॉर्म पर ये बयान दे रहे हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में, कि वो बहुत मोहब्बत करती थी, साथ ही साथ ये बयान दे रहे हैं कि सुशांत बीमार थे, 5 डॉक्टरों से इलाज करा रहे थे, तो फिर सवाल ये उठेगा, और ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच और ये बयान और ये गिरफ्तारी सीबीआई की नजर में भी होगी कि एक तरफ वो महिला जो कह रही है कि वो एक शख्स से प्यार करती थी, वो बीमार था, 5 डॉक्टरों से इलाज करवा रही थी, तो वो चैट दिखाया जाएगा। ये चैट क्या है जिसमें आप अपने भाई से बात कर रही हैं कि वो दिन में 4 बार सिगरेट पीता है, नॉर्मल वाले सिगरेट की बात नहीं हो रही थी। तो एक तरफ आप 5 डॉक्टरों से इलाज करा रही थी, तो दूसरी तरफ क्या आप उनको ड्रग्स भी मुहैया करा रही थी अपने भाई की तरफ से? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? और मैं आपको बताऊं, 3 एजेंसियां जांच कर रही हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ईडी और सीबीआई। तो क्या सीबीआई की नजर में जांच नहीं होगी? जाहिर सी बात है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये जो 67 एनडीपीएस एक्ट में डिस्क्लोजर है, ये डिस्क्लोजर सीबीआई से भी शेयर किया जाएगा और सीबीआई इस एंगल पर भी तफ्तीश करेगी, क्योंकि लगातार बयानों में आया है और खासकर रिया चक्रवर्ती और उनके भाई, उनके पति की, माफ करिएगा, उनके वकील की तरफ से, और लगातार ये दलील दी जा रही है इमोशनल, कि वो एक शख्स से प्यार करती थी, पहले आया, उसके बाद दूसरा बयान आया कि एक शख्स से प्यार करती थी जो एडिक्ट था, लेकिन इसके पहले जो बयान आ चुका है कि वो एक शख्स से प्यार करती थी जिसकी बहुत केयर करती थी, जिनका 5 डॉक्टरों से इलाज करा चुकी थी। तो फिर 15 मार्च बहुत पुरानी तारीख नहीं है, सुशांत की मौत से 15 मार्च 2020 लॉकडाउन के आसपास का ये तारीख है, जब व्हाट्सएप चैट और आज तक के पास चैट है, आप उसको स्क्रीन पर दिखा सकती हैं। 10 साल तक की गिरफ्तारी हो सकती है, 10 साल तक की सजा हो सकती है, इतना गंभीर है ये मामला। जी देखिए, बहुत गंभीर मामला है, और मैं आपको बताऊं कि इसमें एनडीपीएस एक्ट में 3 थ्योरी पर जांच होती है, जो एजेंसी है वो जांच करती है, एक मिनिमम क्वांटिटी, दूसरा मैक्सिमम क्वांटिटी, और तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स। और अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स इन 9 लोगों को गिरफ्तार करके एस्टेब्लिश किया, तो बहुत मुश्किल होगा। हालांकि मैं आपको साफ साफ बता दूं कि अदालत में जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन तमाम लोगों को लेकर जाएगी, तो रिमांड जब पूरी होगी, तो उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा दिन तक कस्टडी में रहेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये तस्वीरें आप जरूर देखिए, रिया चक्रवर्ती बाहर निकली है, ऐसा लग रहा है। हाँ, ये रिया चक्रवर्ती, ये जो तमाम आरोपी है, एक एक करके इनको बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए अंजना, ये तस्वीर है, इन तमाम आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा है। अब देखना होगा इसमें रिया चक्रवर्ती है कि नहीं, लेकिन जिस तरह की वो जिस तरह से पहन के आ रही थी, पूरी ढकने वाला, उस तरह से लगता है कि रिया चक्रवर्ती अंदर बैठी, और रिया चक्रवर्ती इसमें बैठी हुई ऐसा लग रहा है, क्योंकि महिला